अब आप पहले थर्ड चैप्टर पिक करके बैठ गए आपको सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता एंड वो लोग सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट को थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं सो व्हाट डू यू थिंक इज इट राइट और रॉन्ग इट इज रॉन्ग बिकॉज वो एग्जाम का प्रेशर एग्जाम का पैनिक वहां पे इतने सारे क्वेश्चन देख के इट इज वेरी डिफिकल्ट आप नहीं सॉल्व कर पाओगे so... Friends, I'm CS Just Welcome or oh, welcome back to another work study planning tips Wednesday video. I hope you all are doing well. I hope you all are preparing for your upcoming exams. And I am back with a video which will help you a lot in your preparation. So if you are a CA, CS, CS CMS student and struggling in preparing any practical subject. Here I am with 5 tips on how you can prepare any practical subject to clear the upcoming attempt. But but before that, if you have yet not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I post any video, you get notified. Other than that, every day, one shot, one revisionary short, so I request you to you should check because that is completely related to your studies, right? So starting with the subject, practical subjects. सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं और ये सोचते हैं कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करें बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज द रियलिटी कि सीए सी ए सी एम ए में अगर आप वाकई में क्लियर करना चाहते हो तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए द फर्स्ट पॉइंट इज बी कंसेप्शुअली स्ट्रांग सो आई वॉज अ पर्सन मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था हम सब स्कूल में टेंथ तक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब मैथ्स ही होता था आई थिंक एटथ नाइन्थ में फिर फिजिक्स आ गई थी बट फिर भी मैथ्स से ही सबसे ज्यादा डर लगता था तो मुझे बहुत डर लगता था मैथ्स से आई हैव स्कोर्ड लीस्ट टू लीस्ट मार्क्स एंड आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड हंड्रेड ऑन हंड्रेड ऑल्सो स्कोर्ड नाइन्टी एट ऑन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ऑन हंड्रेड वेन आई वॉज नॉट स्कोरिंग गुड इन मैथ्स आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मैथ्स और एनी अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप क्रैम करके लर्न करके कभी भी पास नहीं कर सकते यू हैव टू बी कन्सेप्शली क्लियर यू हैव टू बी कन्सेप्शली स्ट्रोंग आई ऑलवेज विश के हमारे इवन स्कूल लाइफ से स्कूल लेवल से हमें ये चीज़ बताई जाती कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ लिटिल कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि लाइन के ऊपर जीरो के आगे नेगेटिव आते हैं और ज़ीरो के पीछे पॉजिटिव आते हैं जिससे पता चलता है कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं राइट right? कभी कभी ये चीज़ें बताई नहीं जाती बस ये बता दिया ये माइनस माइनस है ये कम में आ गए ये प्लस प्लस है ये ज़्यादा में आ गए और बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं सो वाई कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट दिस इज इट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया आप आपके आगे कितने साल बच जाते हैं ये चीज़ों में कंफ्यूज होने से राइट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है तो सेम गोज विद यू ऑल जो भी चीज़ पढ़ रहे हो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको लर्न नहीं करना उससे क्रैम नहीं करना अगर आप हम ये सोचते हैं कि बस फॉर्मूलाज लर्न कर लो हो जाएगा ऐसा नहीं होगा यू हैव टू बी कन्सेपच्चुअली स्ट्रांग हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए तभी आप जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को सही से पास कर पाओगे अच्छे से पास कर पाओगे राइट right? तो कॉन्सेप्ट जोर देना है लर्निंग में क्रैमिंग में जोर नहीं देना है कॉन्सेप्ट को कॉस्ट में इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं right? राइट ये कॉस्टिंग क्या है वो कॉस्टिंग वो समझोगे तो अपने आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ईजी हो जाएंगे राइट right? वो नहीं समझोगे तो हमेशा ही स्टक रहोगे इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मूविंग टू द मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट विच आई फील इज इंपोर्टेंट इज फॉलो द सीक्वेंस ऑफ नॉर्मली हम थ्योरी सब्जेक्ट्स में क्या कहते हैं चलो पहले ये कर लो फिर ये कर लो क्योंकि कभी कभी वो इतना ज़्यादा रिलेटेड होते नहीं है लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं बट But... प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है सम टाइम्स जो इनिशियल इंट्रोडक्शन होती है वो आगे के चैप्टर्स में फॉलो करती है फिर आगे आगे ऐसे आपको समझाते हैं अब आप पहले थर्ड चैप्टर पिक करके बैठ गए आपको सेकंड चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता एंड वो लोग सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट को थर्ड चैप्टर के कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं सो वॉट यू थिंक इज इट राइट और रॉन्ग इट इज रॉन्ग नॉर्मल एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ डायरेक्ट टैक्स का डायरेक्ट टैक्स में अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो आपको समझ नहीं आएगा बिकॉज वो स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स से. आप बोलो स्लैब छोड़ो मैं सीधा असेसमेंट असेसमेंट ही ही कर लेता हूं. में जाओगे पता ही नहीं कितने कितने परसेंट लगाने तो कैसे सॉल्व करोगे राइट ऑन द अदर हैंड हेड्स इसीलिए रोल तो कोशिश करो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के सारे जो वो एक सीक्वेंस में ही आप करो मूविंग टू थर्ड वन ऑलवेज मार्क डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन हम जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हम जितने भी यू नो क्वेश्चन देख लें दे विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन और टू जो यूनिक होता है जो डिफरेंट होता है जिसमें सेम कॉन्सेप्ट को कुछ और तरीके से यूज किया होता है राइट आई रिमेंबर वेन वी वर यंग हम लोग मार्क कर लेते होते थे कि ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि जरूर मैम पूछेंगे इन द सेम वे अभी भी वही चीज़ है राइट right? एक जो पेपर सेट कर करे वो हमारे टीचर हैं और हम जो है पढ़ रहे हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो यूनिक लग रहा है कोई भी ऐसा जो लग रहा है, उसे कर लो. आप रिवीजन के टाइम पे यूज कर सकते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा राइट आई विल रियली सजेस्ट यू जितने भी यूनिक या डिफरेंट क्वेश्चंस आप देखते हो उन्हें मार्क कर लो ताकि आप बार बार उस टॉपिक को रिवाइज कर पाओ और आप टाइम एंड अगेन उसे रेफर करके आप उसकी उसकी प्रैक्टिस भी कर पाओ एंड विद दैट सेइंग द सेम वर्ड आई विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट जो यही है कि प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन जब स्कूल में होते हैं तो आई थिंक ये चीज हमें सिखाई जाती है कि मैथ्स की प्रैक्टिस करो फिजिक्स की प्रैक्टिस करो जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है बिकॉज आपका कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपने जितना भी पढ़ा हो बट टिल द टाइम यू आर नॉट अपलाइंग इट इट विल नेवर बी फ्रूटफुल आप आई विल बेट यू अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो आप सिर्फ रीड आउट करके जा रहे हो सिर्फ कॉन्सेप्ट कई बच्चे समझ भी सिर्फ पढ़ के ही जाते हैं उन्हें सॉल्व नहीं करते यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट ये पक्की बात है यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग जब तक लिख लिख के सॉल्व कर करके प्रैक्टिस कर करके कर कर नहीं जाओगे आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फेस नहीं कर पाओगे बिकॉज वो एग्जाम का प्रेशर एग्जाम का पैनिक वहां पर इतने सारे क्वेश्चन देख के इट इज़ वेरी डिफिकल्ट आप नहीं सॉल्व कर पाओगे सो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे स्कूल में करते थे ना नोटबुक्स खरीद के यू uh, नो you know, रिविजन टेस्ट करना फिर टीचर टेस्ट लेते थे फिर हम अपनी प्रैक्टिस करते थे बिल्कुल वैसे स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए नोटबुक्स खरीदा करो उसमें जितना स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कर सकते हो वो करो पास्ट ईयर यू नो क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो वो करो रेफरेंस बुक खरीद के आपको करना है वो भी करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आई वुड से कुछ ऐसी स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स होती है जिसमें हंड्रेड परसेंट होते हैं वो बाय करके करो इट विल रियली बी हेल्पफुल एंड मूविंग टू द लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप सी एस सी एस सी एम ए के स्टूडेंट हो तो ये फिफ्थ पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होगा Hold the confidence to solve any new question in exam. Exam में आप ये सोच के जाते हो कि इसी में से question आएंगे आया तो बहुत अच्छा but कोई guarantee नहीं है, क्योंकि professional exam है ठीक है They always analyze कि आपके concept clear होने चाहिए question हम कहीं से भी डाल दें ठीक है तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को अपने रेडी करके जाना है माइंडसेट बना के जाना है और कॉन्फिडेंस से जाना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये मेरे साथ भी हुआ है दैट वी सी कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं आई हैव नेवर एवर सीन दिस क्वेश्चन एंड वी टेंड टू लीव दैट क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है हाँ बस ऑप्शन में है तो उसको छोड़ दो ठीक है और अगर ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो मतलब क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि ये तो हमने कभी देखा ही नहीं पता नहीं इंस्टीट्यूट ने कहा से डाल दिया एंड एट्टी परसेंट टाइम्स ऐसा होता है कि वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन दैट लुक्स कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हैज अ सिंपलर आंसर राइट वो बाकी सिंपल होता है लेकिन क्योंकि हम उस तक तो गए ही नहीं हमने उसको पढ़ा ही नहीं बिकॉज हमें तो भाई देखने में ही पसंद नहीं आ रहा राइट सो दिस माइंड सेट विल नेवर हेल्प यू क्लियर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फॉर अपियरिंग एंड फॉर स्कोरिंग गुड एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू हैव टू हैव दिस माइंड सेट कि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है आई विल नेवर प्रज्यूम आई विल रीड एंड आई विल ट्राई टू सोल्व तो कोई भी न्यू क्वेश्चन आता है जो देखने में अलग है जो कॉम्प्लेक्स है वंस रीड इट आउट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस चैप्टर में से है ये क्या पूछ रहा है क्या इसका आंसर हो सकता है मे बी राइट राइट तो इस इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है पहले ही एज्यूम करके नहीं जाना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी मैं सॉल्व करूंगा या कुछ अलग आ गया तो मैंने पढ़ना ही नहीं है राइट right? तो ये माइंडसेट जो है आपने बना के जाना है राइट सो आर द फाइव पॉइंट जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में आपको हेल्प करेंगे आई एम कमिंग अप विद नवंबर एंड दिसंबर स्ट्रेटेजीज फॉर सी एंड सी स्टूडेंट्स बट अभी के लिए मुझे लगा कि सब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन वाला जो वीडियो है वो आप देखें अपकमिंग में अपकमिंग वीडियोज में सारी स्ट्रेटजीज टिप्स ट्रिक्स सब कुछ आई विल बी शेयरिंग विद यू फॉर दैट सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स ताकि मेरा रीच बढ़े और आपके फ्रेंड्स तक भी ये इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज पहुंच सके टूडेज वीडियो शाउटआउट गोस टू जोत्सना मलिक थैंक यू सो मच ज्योत्सना फॉर लिविंग अ स्वीट कॉमेंट फॉर मी एंड अगर आपको भी shout out to you. It's pretty easy. Like the channel, like the video and leave a comment below. Maybe in the next video, you get a shout out from me. I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed and keep the preparations on. Bye-bye.